नमस्कार, मिथिला मशहूर में आपका स्वागत है। मिथिला मशहूर लगातार जमीनी हकीकत और सच्चाई दिखला रही है। हम जानना चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर आम जनता की क्या समस्याएं हैं और इस समस्या के लिए हम जिलाधिकारी, DDC या फिर यहाँ के प्रभारी मंत्री से हम वहाँ की सारी समस्याओं से अवगत कराते हैं और ये YouTube के जरिए हम गाँव तक पहुँचाते हैं ताकि जनता को न्याय मिले। हमने लगातार बहादुरपुर, बहेरी के बाद हनुमान नगर प्रखंड के सुदूर क्षेत्रों का दौरा किया। जो समस्या है वो हम रखना चाहते हैं। सबसे पहला समस्या ये कि शौचालय निर्माण को लेकर के अभी भी बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। ODF बहुत कम वार्ड को, एक या दो वार्ड को हुआ, वो भी पूरा ODF घोषित नहीं हुआ। शौचालय में जहाँ हो गया, लोगों को पैसा नहीं मिला, एक साल से बनाया है, उन लोगों को पैसा राशि नहीं मिल पा रही है। जो राशि भी है उसे बगैर वार्ड की सूचना आ रही है। देखिए, अभी तक आम जनता के द्वारा कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि आम जनता के द्वारा शिकायत मिलेगी, हम लोग उच्च स्तरीय बैठक करके उसका निराकरण करने का काम करेंगे। जो भी पदाधिकारी या जो कर्मचारी इसमें इस काम में बाधा डालेंगे या रिश्वतखोरी करेंगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, दंडित की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई लिखित रूप से नहीं मिला है। आपके द्वारा संज्ञान में आया है, हम इसका कमेटी बना करके और जहाँ जहाँ की बातें शिकायतें मिली है उसको हम जाँच करा करके जल्द से जल्द उसका निराकरण कराएंगे। साथ ही जहाँ तक ODF की बात कर रहे हैं, ODF में जिन लोगों ने भी रिश्वतखोरी की बात बताई है, जो पैसा मांगा जाता है, उन लोग नाम दे, पता दे कि हमारे जगह हमारे यहाँ शौचालय बना, उसमें पैसा फलना जैसे मांग की गई, इस तरह की बातें आते हैं तो उसका जांच करवाएंगे और जाँच करवा कर उसका कार्रवाई कराने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार तत्पर है, जिस हर वार्ड से लेकर के हर पंचायत ODF हो, उसमें सरकार के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं तत्परता से लगी हुई है। कुछ लोग जो होते हैं बिचौलिया के लोग, वही लोग दिग्भ्रमित भी कर रहे हैं, बदनाम भी कर रहे हैं, और वैसे वैसे लोग जा कर के उन लोगों को दिग्भ्रमित करता है आम जनता को। हम भी जाकर दिलवाते हैं, काम हम ये करते हैं, उन लोग वह लोग दिग्भ्रमित करता है। हमारे पदाधिकारी रात दिन लगे हुए हैं कि किस तरह से ODF जल्दी से जल्दी ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर ODF हो, इसमें तत्परता से काम करेंगे। खासकर ये देखा जाता है कि हम जब जानना चाहते हैं गाँव में क्या की सरकार के कार्य उपलब्धि, तो या तो लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है या लोग कह रहे हैं कि अभी तक जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। यानी कि हर सात निश्चय योजना सबसे ज़्यादा अभी बहादुरपुर के हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कम काम हुआ, नहीं के बराबर काम हुआ। मात्र बहादुरपुर में 8 वार्ड ही हुए, क्योंकि 30-31 वार्ड के आसपास है, लेकिन 8 वार्ड ही हुए हैं वहाँ पर जहाँ नल जल। स्वाभाविक बात है, पिछले बार बहादुरपुर में बाढ़ आई थी और जहाँ जहाँ जमीन की कहीं कहीं जमीन की बहुत काफ़ी कठिनाई है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। जिसे सामुदायिक शौचालय है वहाँ पर जिन लोगों के गरीब के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर सामुदायिक शौचालय बनाने की आवश्यकता है। कहीं कहीं जमीन के लेकर कठिनाई हो रही है, लेकिन हमारे विभाग के पदाधिकारी लगे हुए हैं, तो वहाँ भी जमीन उपलब्ध करा कर उन लोगों को जल्द से जल्द शौचालय उपलब्ध करावे, उस पर हम लोग सफल होंगे। और इस पर सरकार पूरी तरह से निगरानी रखी हुई है स्टेट स्तर पर, और मैं समझता हूँ आने वाला समय में जल्द से जल्द हमारा हर प्रखंड वाइज ODF घोषित होगा। बहुत सारे प्रखंड घोषित भी हुए हैं आने वाला समय में और घोषित होगा। हमारे साथ दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी जी हैं, जो लगातार उन्होंने हमें भी कहा कि आप गांव घर में जो भी समस्या हो आप हमें जानने के लिए। एक समस्या ये आ रही है, राशन कार्ड बनाने के लिए प्रखंड में दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री हैं जो पैनी निगाहें रखते हैं हर पंचायत और प्रखंडों तक। लेकिन हमारा मकसद है कि हम जो जमीनी स्तर पर जो हकीकत है, ग्राउंड जीरो पर जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हम देखते हैं क्या समस्या है। एक चीज़ जो महादलित को लेकर के बड़े बड़े राजनीति हुए हैं, हमने देखा है कि 3 ऐसी महादलित बस्ती में हम गए, पटोरी, नरसरा, ऐसी बस्ती में गए जहाँ आज भी 75% महिला पुरुष खुले में शौच जाने को मजबूरी, सार्वजनिक शौचालय नहीं बन पाया, वहाँ पेयजल की सुविधा नहीं है। नहीं, आपका कहना सच्चाई है। चूँकि एक तो गरीब लोग हैं, जो महादलित है उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, जिसके पास ज़मीन भी है तो छोटा छोटा टुकड़ा है, बेचारा वो अपने घर के बराबर है, उसके लिए अब उसका बाथरूम बनाने के लिए जगह नहीं है। उसमें भी सरकार देख रही है, जहाँ जहाँ ज़मीन उपलब्ध हो रही है वहाँ वहाँ शौचालय बनाने का काम करेगी। और जहाँ जहाँ क्या बता रहे हैं तो हम लोग अपने प्रशासन के आदेश देते हैं, जाएंगे और जा करके देख करके स्पॉट पर निरीक्षण करेंगे, उसको हर संभव कोशिश करेंगे कि जमीन उपलब्ध करा सके और वहाँ पर शौचालय निर्माण कराया जाए, जिससे कि गरीबों में सुविधा होगी। और सरकार स्वच्छता अभियान में इतना खर्च कर रही है पूरे देश में, तो जिसके लिए अंतिम व्यक्ति के लिए पैदान के लिए अंतिम व्यक्ति के पैदान बढ़ाने वाले लोगों के लिए जो भलाई के लिए कर रहे हैं,
यदि उसकी उसको लाभ नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ ये बेकार है। इसीलिए हमारे प्रशासन के लोग जो भी कहीं कोई कंप्लेंट करती है या हमारे जानकारी संज्ञान में लाती है तो हम अपने अपने पदाधिकारियों के माध्यम से जांच कराकर उसको शीघ्र से शीघ्र निर्माण करवाने का हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे में बने अच्छा एक समस्या जो सबसे है प्रखंड विकास पदाधिकारी जिनके कंधों पर जुड़ने वाली प्रखंड के विकास की अंतिम पंक्ति में रह रहे व्यक्तियों के विकास की, लेकिन कई जगह सीधा जनता के साथ मुखिया ने भी कहा कि बीजू एक बार भी नहीं आते, लेकिन कार्यालय से सीधा बिचौले के मार्फत से संवाद पंचायत तक पहुँच जाता है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें संज्ञान में दी है। आज ही जिला समाहर्ता से बात करेंगे, जिला समाहर्ता से बात करके स्वयं उन लोगों को जी यहाँ से आदेश जाएगा तो कम से कम सप्ताह में जाकर निरीक्षण कीजिए, जाकर के जो जमीनी हकीकत है, जमीनी सच्चाई है, क्या स्थितियाँ जो सरकार योजना देती है वो कहाँ तक धरातल पर पहुँचती है, उसको कम से कम समीक्षा करके जांच करें और जाँच करके पुनः उसको निराकरण किस तरह है उस तरफ उस उद्देश्य से काम करें सरकार के सभी पदाधिकारी। तभी मैं समझता हूँ संडे को पाएगा तो आज ही आपने संज्ञान दिया है जिला समाहर्ता से। अब अंतिम सवाल यह है कि 2019 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर लोगों का जो आक्रोश हो रहा है कि काम नहीं हो पा रहा है, नाले नहीं बन पा रहे हैं, शौचालय का पैसा नहीं मिल, ये जमीनी स्तर पर छोटे छोटे लोगों को दिमाग में राजनीतिक दलों के द्वारा भरा जाता है, इसको कैसे पार्टी की ताकि कार्य में गति है, शौचालय निर्माण में या फिर 7 निश्चय योजना में गति है, वृद्धावस्था पेंशन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है उस पर गति है, इस सब को देखिए। स्वाभाविक बात है, कठिनाई जो आप बता रहे हैं जमीनी हकीकत है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं जो सरकार ऊपर से जो पैसा देती है तो जमीन पर आते आते विलम्ब हो जाती है, समय पर नहीं मिल पाता है, उसको किस तरह से सुविधा से हम लोग जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं, जिस गरीब के लिए भेज रहे हैं गरीब पर सही तरीके से पहुँचे, इसकी तत्परता करना, उसका निरीक्षण करना, उसकी जांच करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो अपने प्रशासन के द्वारा शीघ्र इस सब पर जाँच करा के जल्द से जल्द उसको उस कार्य को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और गरीबों में ये एहसास हो कि नई सरकार तत्पर है, हमारे जितनी भी समस्याएँ उसको दूर कर देती हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग तत्पर हैं, हमारी सरकार तत्पर है, हमारे प्रशासन लोग तत्पर है, उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो धन्यवाद, हमारे साथ जिला के प्रभारी मंत्री ने वादा किया है और हम जानते हैं कि अंतिम पत्ति में रहने वाले व्यक्ति के पास ही हम जाते हैं ताकि विकास की सही रूपरेखा और समीक्षा हो सके। आने वाले दिनों में हम फिर एक बार जाएंगे उन जगहों पर और हमें पूछेंगे क्या अधिकारी एक बार फिर आपके यहाँ पूछने आए आपकी समस्या के लिए, वरना फिर हम शिकायत करेंगे क्योंकि हमारी आस्था सिर्फ गरीबों से जुड़ी हुई है। धन्यवाद।